लॉकडाउन के कारण राजस्थान के कोटा में फंसे स्टूडेंट्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी सरकार बसें भेजकर राज्य के स्टूडेंट्स को वापस लाई, तो इस बीच एक खबर आई कि हिंसुआ से बीजेपी विधायक अनिल सिंह बाय रोड जाकर अपनी बेटी को वापस ले आए। मामला सामने आने के बाद विपक्षी पार्टियों ने सीएम नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए, या यूं कहें कि बिहार में इसको लेकर सियासी घमासान तेज हो रहा है। दरअसल हुआ यूं कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार से कोटा में फंसे बिहार के छात्र छात्राओं को वापस लाने की इजाजत मांगी है। नीतीश सरकार को घेरते हुए निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया कि खास लोगों के प्रति समर्पित बिहार सरकार अगर कोटा में फंसे आम विद्यार्थियों को वापस लाने में अक्षम, अशक्त और असमर्थ है तो हमें विशेष अनुमति प्रदान करें। साथ ही कहा कि हम कोटा में फंसे करीब 6,500 छात्रों को बिहार वापस लाएंगे। संकट की इस घड़ी में बिहार के भविष्य, उन निर्दोष नादान बच्चों को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। बता दें कि नीतीश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के कोटा में फंसे बच्चों को वापस लाने के फैसले का विरोध किया था। नीतीश ने कहा था कि ऐसा करने से लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रहेगा। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी स्टूडेंट्स को वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके बाद नीतीश कुमार पर भी अपने राज्य के छात्रों को निकालने को लेकर दबाव बढ़ेगा। न्यूज़ डेस्क।